अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बिहार की हर हलचल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव के राजभवन न आने पर नीतीश कुमार का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जो नहीं आए उन्हीं से पूछिए, यह कहना नीतीश कुमार का। चूंकि आज 26 जनवरी के दिन राजभवन में हाईटेक का आयोजन किया गया था, उसमें नीतीश कुमार तो पहुंचे थे लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी को भी आना था, तेजस्वी नहीं आए। यहां तक कि जिस कुर्सी पर तेजस्वी को बैठना था वहां उनके नाम की पर्ची लगी थी, वो पर्ची हटा दी गई, वहां बैठ गए अशोक चौधरी। ऐसे में तमाम तरह के कयास अब लगाए जाने लगे हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं पटना से। अभिषेक, अगर नीतीश ये कहते हैं कि जो नहीं आए उन्हीं से पूछिए, तो मतलब तो अब साफ है कि करवाहट दिख रही है। कड़वाहट क्या कहें, यूं कहें कि अलग रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा है अखिलेश, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार को आप अगर लंबे समय से ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं उसके मायने ऐसे ही होते हैं। आप क्लियर अगर आप सोचेंगे कि उस उन 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 शब्दों की फेस वैल्यू से आप कोई नतीजा निकाले तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो उनका अंदाज होता है और जो टाइमिंग होती है वो बताती है वो क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं उनसे पूछिए, वो क्लियर है कि वो ओन नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कौन है, उनकी पर्ची वहां से हट गई, वो ये कह रहे हैं उनसे पूछिए, यानी कि तेजस्वी यादव एक अलग एंटिटी उनकी निगाह में हो चुके हैं और इस बात को वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी तक उनकी सरकार का हिस्सा थे, टेक्निकली अभी भी हैं, लेकिन हम पॉलिटिकली बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकली नीतीश कुमार ने यह मान लिया है कि तेजस्वी यादव और उनकी राहें अलग हो गई हैं और वही हमको बार बार तस्वीर सामने आ रही है। आरजेडी की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो उसी का इशारा कर रहे हैं, जो बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है वो इसी का इशारा कर रहा है, और जो जेडीयू की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं पीएम मोदी की तारीफ करने से लेकर के उनके तमाम नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, सब इसी एक ही इनिविटेबल का, एक ही जो अनिवार्य राजनीतिक घटना है उसी का इशारा कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।